शिवलिंग परमात्मा का चिन्ह है। जब राक्षस हाथ लगा सकते हैं, गंधर्व हाथ लगा सकते हैं, पापी हाथ लगा सकते हैं, सुनाऊंगा बहुत कथाएं, जिन पापियों ने शिवलिंग को हाथ लगा दिया, परमात्मा ने उनको भी तार दिया, मनुष्यों की बात छोड़। और हमारी इन भारत की नारियों के लिए कहते हैं कि नारी हाथ ना लगा सके। अरे भारत की नारी को केवल भोग सामग्री नहीं, बच्चे पैदा करने वाली मशीन नहीं, ये भारत की नारी है तो साक्षात्कार भगवती रूप है, शक्ति रूप है, लक्ष्मी। और आपकी समझ में न आवे तो मुझे मालूम है लखनऊ वाले तब मानते जब राम कथा का उदाहरण, लेकिन आपको ऐसा संत नहीं मिलेगा जो 9 दिन में राम कथा के उदाहरण के अलावा देता ही नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरि हरि महादेव। हमारे सनातन धर्म के रीति रिवाज के अनुसार इस भारत की देवी का इतना बड़ा सम्मान है, इस देवी का भारत की भूमि में इतना बड़ा स्थान है कि पुरुष का परिचय कराते समय पुरुष को अपना नाम बोलना पड़ता है, लेकिन भारत की नारी का परिचय किसी को कराओ तो कभी उसका नाम तक नहीं लिया जाता। केवल 3 चीजों से ही भारत की नारी का परिचय होता है। आपकी अगर माताजी आपके साथ में हो और आप हमारे कमरे में आकर अपनी माताजी का परिचय कराना चाहे तो सच बताओ आप अपनी माताजी का नाम लोगे क्या? आपके साथ में आपकी धर्म पत्नी हो, आप हमारे सामने आकर के परिचय दे रहे हैं तो आप अपना परिचय तो जरूर कहेंगे, मेरा नाम रामलाल है महाराज, यहां रहता हूं। पर जैसे ही धर्म पत्नी का इंट्रोडक्शन कराओगे तो कहोगे कमला रानी है, बोलो ना। धर्म पत्नी के नाम से ही परिचय कराओगे, है ना। और आपकी बेटी आपके साथ में है ना, अगर आपकी बेटी आपके साथ में है चाहे वो छोटी है या बड़ी, आप उस बेटी का भी नाम नहीं बोलोगे, उसका भी परिचय बेटी के रूप में कराओ, है ना। भारत की नारी का परिचय 3 रूपों में ही होता है, शादी से पहले बेटी के रूप में, शादी के बाद ससुराल में धर्म पत्नी के रूप में, और बच्चे पैदा हो जाए तो माता के रूप में, है ना। धन्यवाद। रामचरितमानस को पढ़कर देखना, तुम्हें राम कथा में किसी ने सुनाया नहीं सुनाया मुझे मालूम नहीं, पर मेरे जीवन का संकल्प है कि मैं राम कथा में भी वही बताऊंगा जो शायद आपने सुना नहीं होगा, सुनाऊंगा भी वही जो आप सुनना चाहते। राम कथा में 2 भारत की नारी आती है, जिनके एक के द्वारा राम कथा प्रारंभ होती है और दूसरी के द्वारा राम जी की लीला आगे बढ़ती है। सच बताओ इस राम कथा को सुनने के लिए सबसे पहले शिव जी से किसने प्रार्थना की? पार्वती भल अवसर जानी, तुलसी जी लिखते रामचरितमानस की चौपाई बालकांड की, पार्वती भले अवसर जानी गई शंभु पे माते भवानी जा
कौन प्रिया अति आदर कीना, वाम भाग हर आसन धी, बैठी शिव समीप हर साई, तो पूरब जन्म कथा चित आई। पार्वती गई शादी के बाद भगवान शिव प्रसन्न हो गए, कहिए देवी कैसे आना हुआ। बोले प्रभु आज एक वचन मांगती हूं, प्रार्थना करती हूं, क्या मेरी कामना को पूर्ण करोगे। बोले बोलो देवी। जो ओ पर प्रसन्न सुख राशि, जानहू मोहि चरण निज दासी, तो प्रभु हरहू मोरी अज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा विधीना। राम कथा को शुरू कराने वाली एक देवी है, वो भी भारत की नारी है, भले शिव की पत्नी बन गई हो, देवी है, लेकिन वो भी नारी भारत के रूप की। मां पार्वती ने राम कथा को प्रारंभ करा, और दूसरी नारी है सीता जी। जहां राम जी की लीला समाप्त होने लगी और जिस लीला के लिए प्रभु ने अवतार लिया था, वो कथा आगे नहीं बढ़ने लगी, वो लीला आगे जाने में रुकावट होने लगी, तो सीता जी ने ही राम जी की लीला को आगे बढ़ाने का सहयोग किया। हमारी भारत की देवियां भी, जब पति घबरा जाता है, कोई सहायक नहीं बन पाता है, चारों ओर अंधेरा छा जाता है, जब कुछ भी खुद सोच नहीं पाता है, तब ये भारत की नारी जो उसकी धर्म पत्नी है, वो आपत्ति के समय अपने पति का पूरा साथ देकर उसके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करती। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परख अमुचारी। राम जी की लीला में भी जब खरदूषण आया, युद्ध हुआ, खरदूषण को मार दिया और लखन लाल ने नाक काट दी, किसकी है, तब भगवान श्री राम समझ गए कि अब ये सुरपणखा रावण के पास जाकेगी और मुझे रावण के साथ लीला करनी है। पर ये जग जननी सीता जी पतिव्रता है, एक राक्षस का हाथ कैसे लग सकता है। राम जी घबरा गए, सुबह सुबह लखनलाल जी जब पूजा के लिए फूल लेने के लिए जंगल में चले गए, तो अकेले राम जी सीता से कहने लगे, तू देख लेना आरण्य कांड पे। लक्ष्मण गए जब ही लेन फूल पल कंद, जनक सुतासन बोले, प्रभु श्री राम कहने लगे, देवी आज एक सहायता तुझे करनी होगी, तेरी सहायता के बिना मैं अपनी लीला को पूरी नहीं कर सकता। बोले कहिए प्रभु क्या करना है। बोले तुम पावक में करहू निवास, जब लग करहू निसाचर नास। देवी तुम इस पवित्र शरीर को अग्नि में प्रवेश करा दो और नकली सीता का प्रतिबिंब मेरे साथ छोड़ दो, ताकि तुम्हारा पातिव्रत धर्म भी बचा रहे और मैं रावण को भी मार कर लीला को पूर्ण कर सकूं। तो निज प्रतिबिंब राखत है सीता,
सीता जी ने वैसा प्रतिबिंब छोड़कर खुद अग्नि में प्रवेश कर गई। भारत की नारी सीता ने ही इस राम कथा को आगे बढ़ाया। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद कंद परमानंद राघवेंद्र सरकार की लीलाम को आगे बढ़ाया। ध्यान देना, ये दो देवियां भारत की राम कथा में हैं। तुलसीदास जी महाराज ने भी इनका नाम नहीं लिया। जब इन दोनों देवियों का परिचय का समय आया, चाहते तो सीता का नाम लिख सकते थे, चाहते तो पार्वती का नाम लिख सकते थे। जब सीता जी का परिचय बालकांड में वंदना में आता है, तो तुलसी जी सीता का डेफिनेशन, सीता का इंट्रोडक्शन, सीता का परिचय तीन रूपों में ही बताते हैं। ये किसकी बेटी है, किसकी धर्म पत्नी है और किसकी माता है। और कहो तो मैं रामचरितमानस के बालकांड के 18वें दोहे में बड़ा सुंदर वंदना प्रकरण में तुलसी जी लिखते, कहो तो चौपाई बोलो। बोले जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान ताके जुगपद कमल मनावौ जासु कृपा निर्मल मति। क्या परिचय दिया सीता का, ध्यान देना, मैं भारत नारी का परिचय दे रहा हूं आपको। जो लोग कहते हैं कि भारत की नारी शिवलिंग को हाथ नहीं लगा सकती, उन लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत नारी का कितना ऊंचा पद है। बेटी माता और पत्नी के नाम से ही परिचय होता है, उसका जो मूल रूप से नाम होता वो कोई अपने मुख से नहीं। और दूसरी देवी कौन आई राम कथा में, बताया तो था, भूल गए क्या? पहली देवी का परिचय तो मैंने आपसे दे दिया है, लेकिन दूसरी देवी मैंने बताई थी, पार्वती।